दोस्तों वैसे तो विंडो 11 में माइक्रोसॉफ्ट 6-7 अच्छी अच्छी थीम्स दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ थीम्स ऐसी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने हिडन रखी है। ज्यादातर यूजर्स के लिए ये जो थीम्स बाय डिफॉल्ट दी हुई है ये काफी है, लेकिन फिर भी जो थीम्स हिडन है वो काफी शानदार है, स्पेशली इनके वॉलपेपर बहुत ही आई कैचिंग है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे इनेबल करें। आपको विंडोज बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्री एडिटर लिखना है और रजिस्ट्री एडिटर पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रजिस्ट्री एडिटर ओपन होने के बाद हमें लेफ्ट साइड में एच के लोकल मशीन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके उसे एक्सपेंड कर लेना है। इसके बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमें पॉलिसी मैनेजर को ढूंढना है। पॉलिसी मैनेजर के अंदर हमें करंट और करंट के अंदर डिवाइस को हमें एक्सपेंड कर लेना है। डिवाइस पर राइट क्लिक करके हमें न्यू पर क्लिक करना है और न्यू के अंदर की को सिलेक्ट करना है। अब इस की को एक नाम देना है एजुकेशन। अब हमें राइट साइड की विंडो पर राइट क्लिक करके एक बार फिर न्यू पर क्लिक करना है और डी वर्ड 32 बिट वैल्यू को सिलेक्ट करना है और इसे एक नाम दे देना है इनेबल ईडीयू थीम्स, कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखें। इसके बाद इसे ओपन करके इसकी वैल्यू डेटा के अंदर 1 लिख देना है। इसे ओके करना है, रजिस्ट्री एडिटर को क्लोज करना है और आपके पीसी को रीस्टार्ट करना है। पीसी रीस्टार्ट होने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोलना है और उसके अपडेट सेक्शन में जाने पर आपको पता चलेगा कि आपको नई 6 थीम्स और मिली है। ये सारी थीम सब पीसी में इंस्टॉल हो चुकी है। अब इन्हें देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन में जाएंगे और थीम्स को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, हमें काफी सारी थीम सब दिखाई दे रही हैं। कुछ थीम्स हम आपको अप्लाई करके अभी दिखाते हैं। प्लेनेट वाली थीम काफी अच्छी है। इसके अलावा जो फर्स्ट थीम है ये भी काफी शानदार है, जिसमें बाई डिफॉल्ट डार्क मोड इनेबल है। सेकेंड वाली थीम लाइट मोड में है, ये भी काफी अच्छी थीम है और करंटली मैंने यही इंस्टॉल कर रखी है। तो दोस्तों ये था माइक्रोसॉफ्ट की हिडन थीम्स को इनेबल करने का तरीका। ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में हमें बताना मत भूलना। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसे और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए पीस आउट।